entry on him. इस बाहर का भी ले लूं। भाई चलो। Hey guys, welcome to my new vlog. तो आज हम वेनिस आए हैं, जो ग्रेटर नोएडा में है। इनकी एंट्री यहाँ से ऐसे होती है। ये अच्छा नीचे भी है ना। यहाँ पे यार इंडोर बोटिंग भी हम कर सकते हैं वेनिस मॉल में, लेकिन शायद अभी बोटिंग चल रही है नहीं चल रही है इसका आइडिया नहीं है। चलेगा ये बंदा खड़ा है, ये रहा बोटमैन। हम पूरा पूरी जो पूरा मॉल है वो घूम लेते हैं क्या क्या है, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम आई हूँ ना, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। प्रियंका आई थी जब 5 साल पहले, जब ये नया नया खुला था तब प्रियंका आई थी, और मैं तो भाई फर्स्ट टाइम ही आई हूँ वेनिस मॉल में, मैं इससे पहले कभी नहीं आई थी, तो इसलिए मैं पहले एक टूर कर लेती हूँ कि कैसा कैसा है, उसके बाद क्या क्या करना है हमें। मेरे पीछे देखो यार कितना मस्त लग रहा है, और सारे ब्रांड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत सुंदर तो लग रहा है वैसे। ये लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा जो ऐसे बना रखा है इनने, वो ही बहुत सुंदर लग रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो पीछे ये दिख रहा है, ये बहुत सारे स्टोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, H&M, Max, सारे जो एक मॉल में अवेलेबल होते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे है। और यहाँ पे अंधेरा कर रखा है, कुछ बंदे यहाँ पे अपनी रील्स बना रहे होंगे या फोटो खींच रहे होंगे। हाँ सीढ़ी उतरने का, ये देखो कितना सुंदर है, लेकिन यार वाकई में बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। नीचे और मैं नीचे जा रहे हैं और देख रहे हैं। प्रियंका देखियो आइयो कैसा लग रहा है, बढ़िया ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और वैसे भीड़ कम है अभी, क्या पता शाम में, अच्छी बात है क्योंकि हमें फ़ोटो खींचने का हमारी जगह जगह मिल जाती है, और शाम को हो सकती है भीड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना। और शाम को वैसे हर जगह शाम को ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि शाम को ना लाइट वाइट चलती है ना, है ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी तो शायद भीड़ भीड़ कम है, और पता नहीं, वैसे तो कहते हैं बहुत बड़ा है, लेकिन मैं ज़्यादा देखना चाहती हूँ कि कितना बड़ा है, कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं हम लोग, कितनी जगह घूम सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं यार कहाँ कहाँ, अभी तो शायद हम जहाँ से हमने एंट्री ली थी हम उसी फ्लोर में, और अभी इसका वो क्या बोलते हैं बेसमेंट भी है, नीचे वाला फ्लोर भी है, ऊपर 2-3 और 3 फ्लोर है। और इस स्टैचू को देख के मैं डर गई, देखो मेरे पीछे जो है ना ऑरेंज वाला, उसको देख के मैं डर गई, मैंने कोई कर रहा है। और चलो फिर देखते हैं यार, अभी तो ये शायद बन भी रहा है, पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, क्योंकि ये देखो पीछे वर्क चल रहा है, ये तो शायद ये बन भी रहा है अभी। और अलाउड टू पास लिखा है, चलो देखते हैं फिर जल्दी जल्दी। तो बहुत ही अभी यहाँ पे स्टोर्स बन रहे हैं, अभी बंद है, और ये तो कम है, नीचे भी फ्लोर है, तो अभी हम वहाँ चलते हैं जल्दी जल्दी, फिर देखते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। मेरे को पता नहीं क्यों थोड़ी सी लाइट ना कम लग रही है मॉल के हिसाब से, यार लाइट थोड़ी कम है, पता नहीं ऐसे क्यों, क्या पता अभी जल, हाँ कलर्स वगैरह भर रखे, और ओपन ऊपर भी जो है पूरा ये ओपन है ना, तो इसलिए सनलाइट डायरेक्ट लाइट आ रही है। हाँ वेनिस जो वेनिस सिटी है उसका कॉपी है, तो वैसे इसको रंग बिरंगा टाइप जैसे कलरफुल ना बना रखा है कि इसकी वॉल सारी कलरफुल हैं ये सब वगैरह वगैरह। तो देखते हैं अब कहाँ कहाँ जाते हैं हम लोग, फिर बताते हैं आपको।
ब्रेन पूरे चक्कर लगा सकती है। टैंडना और यहाँ दिखाते हैं सामने से पानी क्या, ये ब्लू ब्लू ज़्यादा कुछ ब्लू लग रहा है, असली में अच्छे समुद्र का पानी लग रहा है। वैसे ब्लू पेंट किया होगा उसके बाद पानी डाला होगा इसलिए इतना ब्लू ब्लू सा लग रहा है। वैसे चक्के देखो, चक्के क्या देखो, नमकीन होगा तेरी चक्के देख। यहाँ पे कुछ नहीं यार, यहाँ तो बना भी नहीं है, बंद कर दिया है। अच्छा राइड ओपन है, मेरे को लगा राइड है अभी। वैसे पता वो चला भी नहीं रहा है, वो चला भी नहीं रहा। ये देखो मॉल के अंदर आप बोटिंग भी कर सकते हो, तो ये कुछ यूनिक है बाकी मॉलों से, क्योंकि वेनिस का थी मैं तो वेनिस जैसे ही बना रखा है, लेते हैं क्या क्या मिलता है हमको। वैसे यहाँ पे अंधेरा भी कर रखा है इन लोगों ने, और यहाँ से जाना मना है, पता नहीं रेड रेड से लगा दिया है। वैसे लोग तो गए हैं इसको पार करके, और यहाँ भी पानी है तो ये पूरा बोटिंग का राउंड लगता है यहाँ से, देखते हैं। ये हम इसको क्या बोलते हैं, टांग के चले गए हैं कहीं पर है, क्योंकि हम तो आए पूरे देख के जाएंगे। अच्छा वहाँ भी रास्ता है, लोग वहाँ से जा रहे हैं, वो देख रहे हो वहाँ से जा, ऊपर से जा रहे, ब्रिज बना रखा है जो, पहुँच गए हैं और एक ब्रिज है उसके ऊपर से हम उस पार जाते हैं और जो लेली देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। वैसे अच्छा तो लग रहा है, लेकिन यार लोगों का शोर नहीं है ना मॉलों में। ये देखो पीछे खंडर देखोगे मेरे, ये लोग ये बना ही नहीं है अभी तक, तो इसलिए अभी हम थोड़ा देख रहे हैं मॉल वॉल की भाई कैसा है क्या क्या है, क्योंकि पता है आधी स्टोर्स तो यहाँ पे मैंने देखा है कि वो लगी ही नहीं है आधी स्टोर्स, तो मतलब आधे से ज़्यादा पता खाली पड़ा है, इसलिए मुझे वो ऐसा लग रहा है कि यार कुछ ज़्यादा भरा भरा सा नहीं लग रहा। एक आध स्टोर्स हैं जो मेन मेन स्टोर्स हैं वो लगी हुई है यहाँ पे, और बाकी ये देखो सब खाली पड़ा है, सब बन रहे हैं पीछे पीछे, तो इसलिए तो अभी अब देखते हैं आगे जाके। वैसे थीम तो बढ़िया बनाया है, ऐसे लग रहा है कि सस्ता वेनिस में आ गए हूँ। और यहाँ से पूरी बोटिंग होती है, तो यहीं से जाते हैं बोटिंग के लिए, ये पूरा राउंड एक घुमा देते हैं। इसका प्राइस मैंने पूछा नहीं, अगर मैं एक बार पूछ के देखती हूँ कितना प्राइस है। वैसे फालतू है मेरे को लगता है बोटिंग, वही मॉल के अंदर से वो 10 मिनट के लिए ग्राउंड घुमा देंगे, बेकार है, इतने वर्थ नहीं है, मतलब इतने पैसों का भाई वो उतना करवा दें। ऐसे इतनी बोटिंग कर ली क्या, बोटिंग कर करके हम थक गए हैं ना प्रियंका। अब यहाँ देखो यहाँ भी बोट बंधी हुई है, मैं आपको दिखाऊँ यहाँ बोट बंधी हुई है, 2-3 बोट है यहाँ पे जो ऐसे बंधी हुई है, देखो दिख रहा है, ये दो ये दी 1-2-3 तो। और यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट है ऊपर में, ये देखो मस्त ये गा रहे हैं, पता नहीं कौन से लैंग्वेज में भैया गाना गा रहे हैं, लेकिन मेरे को पता नहीं, शायद इटली लैंग्वेज में गा रहे होंगे, फ्रेंच लैंग्वेज में, 2-3 लाइन भैया ने याद कर रही है ओ वहाँ करके। उसके बाद वाह, ये देखो ये भैया ने अपनी बोट का टर्न ले लिया है, और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, पानी भी काफ़ी है। बना लिया है, और प्रियंका की कुछ रील्स मैंने यहाँ पे बना ली है, रील्स बनाती नहीं मैं, झूठी रील्स वाला एक स्लो मोशन बना लिया है, क्योंकि हम यहाँ पे बार बार तो आएंगे नहीं ना, इसलिए हम बना रहे हैं। और अभी हम कुछ खाने भी जा रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं है, हम कुछ बिना खाए हम बस चाय पी के आए थे, और अभी हम सोच रहे हैं क्या खाए क्या खाए, तो देखते हैं हम फूड कोर्ट में चलते हैं ऊपर और क्या मिलता है वहाँ पे, वो हम देख लेते हैं। चलो फिर, आपने देखा उस बंदे का गाना, हवाएं हवाएं गा रहा था वो, पता है कितना अच्छा गा रहा था, गूंज रही थी उसकी आवाज़, शाहरुख खान सस्ता शाहरुख खान ने नहीं गाया तो मतलब क्या ओ कर रहा था। वैसे उसका सुर अच्छा लगा था, सुर बंदे ने अच्छा पकड़ा था वैसे वो, है ना। चलो भाई अब हम जा रहे हैं फूड कोर्ट में, बहुत घूम ली यहाँ पे नीचे, आधी आधी तो बनी ही नहीं है, फोटो एक भी नहीं खींची, फोटो अभी खींचेंगे ना लाइट में तो अंधेरे में कहाँ खींची रही है, सब जगह अंधेरा ही है। हाँ तो कोई अच्छा सा उजाला वाला देखते हैं। तो यार यहाँ पता है एक चीज़ बताऊँ, बहुत बंदे नहीं बोल रही, बंदियाँ भी, लड़की लड़का सब जो हैं
बहुत ज्यादा रील्स बना रहे हैं, सब रील्स बना रहे हैं, सब एक यही देख रही कौन, हाँ सब ने एक कोना पकड़ के रील्स बनाना स्टार्ट कर दिया है और बस रील्स पे रील्स, रील्स पे रील्स, रील्स पे रील्स। वैसे आप करोगे भी क्या, मैं सही बताता हूँ, आप यहाँ पे करोगे भी क्या है ना, रील्स ही बनाओगे ना, क्योंकि कुछ है तो है नहीं। आप यहाँ पे मॉल देख लिया आपने कैसा है, खाओ पियो अपना रील्स बनाओ और निकल जाओ यहाँ से, बस वही है। मेरे पीछे देखो कितना अच्छा लग रहा है, पानी पानी आज ब्लू है, पानी पानी लग रहा है, और दिन तो सनी सन, दिन भी सनी सनी है, ब्लू है, पानी पानी दोनों है आज। तो मैं अब इसकी दो तीन फोटो खींच देती हूँ, वरना मुझे काली पड़ेगी ना। अभी हम सेकंड फ्लोर में आ गए हैं, सेकंड है ना ये, हाँ थर्ड है, फर्स्ट है, और इसके ऊपर भी है, ऊपर जा रहे हैं तो चलो। तो हम उधर गए थे, उधर से पूरा घूम के आ गए थे नीचे नीचे से, अब हम यहाँ आ गए। तेज भूख लग रही है कि पहले खाना जाएगा तभी मैं कुछ कर पाऊंगी। और यहाँ पे देखो यार इतना अच्छा व्यू आ रहा है, सीढ़ियों में भी जाना है। हाँ मैं आपको दिखाती हूँ, कितना सुंदर लग रहा है, लाइट्स आ रही हैं और पूरी मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसे वेनिस वेनिस फील वाली आ रही है अब धीरे धीरे मेरे को। वहाँ चलते हैं, वहाँ से देखना सीधे, ये देखो मैं थोड़ा सामने से दिखाती हूँ आपको कितना सुंदर लग रहा है, इतना मस्त लग रहा है ना कि क्या होता हूँ। ये देखो तो देखते हैं थोड़ा सामने क्या क्या है और क्या क्या मिल जाता है हमको। ऐसे घूमने के लिए तो टाइम चाहिए भाई, कम से कम दो तीन तीन घंटे तो आपके मानो कहीं नहीं गए घूमने पे। और खाते रुको, यहाँ से इन्हें बंद कर रखा है और यहाँ से आपका फूड कोर्ट में आ गए हैं। और अभी क्या किस्मत है भाई की, खाली खाली मिला है बर्गर, वो रहा है जिसका नाम पता क्या है, चाय ले लो, तो मैं चाय ले लूँ क्या, बर्गर है ले लेना, ये देखो चाय ले लो ऊपर। प्रियंका और मैं आ गए हैं अब यहाँ पे, क्या गेमिंग जोन है ना, ये भी गेमिंग जोन है यहाँ पे बच्चों का, और यहीं पे था ना वो आइस वाला भी, आए थे देखते हैं वो, तो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ गेमिंग जोन के लिए। आजा, तो यहाँ देखो ऐसे पता शाम के टाइम ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि शाम के टाइम लाइट वाइट हो जाती है तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और जैसे DLF में था गेमिंग जोन, वैसे ही यहाँ पे सेम वैसे ही है। ना तो ये कुछ हॉरर वाली है बना रखा है यहाँ पे इनमें।
कितने की टिकट है इसकी? साढ़े भी चार बार टिकट कितने की है भैया इसकी प्राइस? 200 पर पर्सन है यहाँ पे, तो सही है वैसे, इतना कुछ हो महंगा भी नहीं है। द हाउस ऑफ डेड पीपक और अभी यहाँ पे स्नो वाला भी है, पेंगुइन का कुछ लाइव शो है यहाँ पे वो भी, और अंदर पता नहीं क्या क्या है, देखते हैं। जिप लाइन होती है वेनिस मॉल के अंदर, आवाज़ तो आ रही है, कहाँ से जा रही है समझ नहीं आ रहा। तो ये कुछ ये इनके कुछ यहाँ पे रेट्स प्राइस हैं, जिप लाइन टेम्पोरिन पार्क एडवेंचर पार्क 7D थिएटर हाउस ऑफ दैट बम्पर कार सारे 1300 और कॉम्बोज में है, ये सही है, जिप लाइन प्लस टेम्पोरिन पार्क 700। एंड इसका ये एंट्रेंस है और ये इनका एग्जिट है ऊपर में।